चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसका आंसर तो देखो स्टील, हाँ कॉपर, ठीक, स्टील इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है जिस मटीरियल की हाई करेक्टिविटी या कोहेसिविटी होती है, करेक्टिविटी या जिसको कोहेसिविटी कहते हैं, कोहेसिविटी कहते हैं या करेक्टिविटी जिसकी हाई होती है, यानी उसके जो एटम्स हैं जिसका ओरिएंटेशन ठीक है अलग अलग डायरेक्शन में होता है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी कोहेसिविटी हाई बोली जाती है। ये हिस्टेरेसिस ग्राफ में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, कोहेसिविटी या करेक्टिविटी। तो आपको ये ध्यान रखना है जिस मटीरियल की कोहेसिविटी हाई होती है ठीक है, और लो परमेबिलिटी, दूसरा पॉइंट, लो परमियाबिलिटी, दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जिस मटेरियल की हाई कोहेसिविटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है, वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो स्टील की ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाई कोहेसिविटी होती है यानी करेक्टिविटी, हाई करेक्टिविटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है। इस वजह से स्टील का, जैसे अगर कोई एटम, किसी मटेरियल के एटम सीधे नहीं हो रहे आसानी से, लेकिन एक बार हो गए सीधे तो उसको फिर वापस से इधर उधर करना मुश्किल हो जाता है। अगर इधर उधर घूम रहे हैं कोई एटम एक मटेरियल के, जैसे मैंने ऐसे बना दिया एक मटेरियल रॉड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल इधर बना रहा है, साउथ पोल इधर बना रहा है, एक नॉर्थ पोल इधर बना रहा है, साउथ पोल इधर बना रहा है, एक ऐसे बना रहा है, तो सब इधर उधर हैं। लेकिन अगर इसको सीधा करना है तो आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा उसको सीधा करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसमें लगाई जाती है सीधा करने के लिए, ताकि सारे एटम सीधे हो जाएं, और उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसमें लगाई जाती है उसकी कोहेसिविटी हाई मानी जाती है या करेक्टिविटी हाई मानी जाती है। और अगर बहुत एनर्जी लगा के वो सीधा हो रहा है तो फिर आसानी से फिर इधर उधर जाएगा भी नहीं, इजिली आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इसीलिए ऐसे मटेरियल जिसकी हाई करेक्टिविटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है, वो मटेरियल उस मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।